OnePlus 12R is the mid-range offering from the OnePlus brand और flagship OnePlus 12 का small brother होने के कारण बहुत सारे flagship level वाले specifications भी इस phone में आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये एक real upgrade है पिछले साल के OnePlus 11R का, जिसको audience ने जो है काफी पसंद किया था? Let's find out। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही request करूंगा आप लोगों से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को जो है सपोर्ट जरूर कीजिए। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड से यहाँ हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो OnePlus 11R और OnePlus 12R दोनों ही फोन्स जो है लगभग सेम डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, बस मटेरियल्स दोनों फोन्स में अलग अलग हैं। और OnePlus 12R का जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है वो OnePlus 11R के कंपैरिजन में बड़ा है। OnePlus 11R में सामने की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और जो फ्रेम्स बने हुए हैं वो प्लास्टिक के हैं, जबकि OnePlus 12R में सामने की तरफ जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी गई है और एल्यूमिनियम्स की फ्रेमिंग देखने को मिलती है। OnePlus 11R में किसी भी तरह की IP रेटिंग अवेलेबल नहीं है, जबकि OnePlus 12R IP64 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस की रेटिंग रखता है। हालांकि दोनों ही फोन्स में आपको eSIM की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। OnePlus 11R में लगभग 11 5G बैंड्स अवेलेबल हैं, जबकि OnePlus 12R में 16 5G बैंड्स दिए गए हैं और 5G कनेक्टिविटी दोनों ही फोन्स में जो है ठीक ठाक मिल जाती है। दोनों ही फोन्स में जो है स्टीरियो स्पीकर्स का अच्छा खासा सेटअप प्रोवाइड किया गया है, बस OnePlus 12R के जो स्पीकर्स हैं वो थोड़े से लाउड साउंड करते हैं और उनमें साउंड सेपरेशन जो है इन कंपैरिजन विद द 11R ज़्यादा बेटर लगता है। ये दोनों ही स्मार्टफोन्स USB-C 2.0 की चार्जिंग स्पीड्स को जो है सपोर्ट करते हैं। और जहां कलर ऑप्शंस की बात कर ले तो OnePlus 11R में 3 कलर्स अवेलेबल हैं, सिल्वर, ब्लैक और रेड, जबकि OnePlus 12R में सिर्फ 2 कलर्स ही अवेलेबल हैं, ग्रे और ब्लू। और ये ब्लू कलर में OnePlus 12R जो है काफी अट्रैक्टिव लगता है, OnePlus 7 Pro की जो है याद जरूर दिलाता है। इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्लेज में काफी नोटिसेबल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। OnePlus 11R 6.74 इंचेस की एक 1240p फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि OnePlus 12R एक 6.78 इंचेस की 1264p की LTPO 4 पैनल के साथ आता है, यानी कि OnePlus 12R में आपको हायर रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों डिस्प्लेज की शार्पनेस जो है वो लगभग सेम है और दोनों ही पैनल्स जो है 120 हर्ट्ज की पीक रिफ्रेश रेट तक जाते हैं, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करते हैं और साथ ही 1 बिलियन कलर्स भी जो है शो करते हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है दोनों पैनल्स में वो है ब्राइटनेस का। OnePlus 11R में आपको 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि यही पीक ब्राइटनेस OnePlus 12R में 4500 निट्स तक जो है चली जा रही है। हालांकि प्रैक्टिकल कंडीशंस में कभी भी जो है इतना ज्यादा ब्राइटनेस रीच नहीं करता है OnePlus 12R का, फिर भी जब आप साइड वाइज कंपेयर करेंगे दोनों डिस्प्लेस को, OnePlus 12R डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ब्राइट फील होता है, यानी कि इनडोर आउटडोर विजिबिलिटी बेटर मिलती है आपको OnePlus 12R में, एंड दैट इज अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो OnePlus 11R में आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट देखने को मिलता है, जबकि OnePlus 12R में Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर जो है काफी अच्छे हैं, बट डेफिनेटली स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा OnePlus 12R में। हालांकि डे टू डे टास्क में दोनों ही फोन्स जो है सिमिलर फील होते हैं, बट गेमिंग के दौरान OnePlus 12R जो है ज्यादा स्मूथ फील होता है और हीट को जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, यानी कि आप हाई ग्राफिक्स के गेम्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेटिंग्स पे खेल सकते हैं लॉन्ग सेशंस के लिए। फोन के ज्यादा हीट ना करने का एक कारण ये भी है कि OnePlus 12R में साइरो वेलोसिटी वेपर कूलिंग सिस्टम का डुअल वेपर चेंबर प्रोवाइड किया गया है, जबकि OnePlus 11R में कटिंग एज 3D कूलिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है, यानी कि हार्डवेयर जो है ज्यादा बेटर है OnePlus 12R का। रैम और स्टोरेज दोनों ही फोन्स में जो है सिमिलर हैं, 8GB या फिर 16GB की LPDDR5X की रैम और 128GB या फिर 256GB की UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। कुछ दिनों पहले OnePlus 12R की फेक मार्केटिंग यहाँ पे की जा रही थी Amazon पे, जहाँ पे 256GB वाला जो वेरिएंट है उसकी स्टोरेज UFS 4 बताई जा रही थी, बट ऐसा नहीं है, बाद में जो है इसको क्लैरिफाई किया गया है OnePlus की तरफ से। लेकिन इस फेक मार्केटिंग की वजह से OnePlus 12R को बहुत ज्यादा हेड भी जो है सहना पड़ा है। दोनों फोन्स का कैमरा सेटअप भी बिल्कुल सिमिलर है, बट चिपसेट डिफरेंट होने के कारण प्रोसेसिंग जो है वो अलग हो जाती है। दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिलता है OIS के सपोर्ट के साथ, 2 मेगापिक्सल का जो है मैक्रो लेंस देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अल्ट्रा वाइड जो लेंस है
वो 120 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है वन प्लस 11R में, जबकि 112 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है वन प्लस 12R में। साथ ही सेल्फी कैमरा भी दोनों फोन्स में सिमिलर है 16 मेगापिक्सल का। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट होने के कारण आपको बेटर प्रोसेसिंग देखने को मिलती है फोटोज में, डिटेल्स हो, शार्पनेस हो या फिर सैचुरेशन, ये स्लाइटली बेटर देखने को मिलते हैं आपको वन प्लस 12R। हालांकि ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों का कैमरा परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा है। लेकिन जहां वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो मेन कैमरा से आप 4K अप टू 60fps तक दोनों ही फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वीडियो क्वालिटी जो है थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है वन प्लस 12R की, और स्टेबलाइजेशन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। डायनेमिक रेंज को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया है, और वन प्लस 12R में आपको नाइट टाइम वीडियोज का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि वन प्लस 11 में देखने को मिलता था। नाइट मोड के फोटोज भी बहुत हद तक सिमिलर है दोनों ही फोन से, हालांकि प्रोसेसिंग और डिटेलिंग थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिलती है वन प्लस 12R में। सेल्फी कैमरा की बात करें तो आप 1080p अप टू 30fps तक जो है वीडियो शूट कर सकते हैं, और अबव एवरेज क्वालिटी के वीडियोस आते हैं, और दोनों ही फोन्स के सेल्फी वीडियोस जो है मुझे सिमिलर ही यहां पे लगे हैं। सो कैमरा में जो है कोई बड़ा चेंज आप यहां पे नोटिस नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो वन प्लस 11R में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है, जबकि वन प्लस 12R में जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है। वन प्लस ब्रांड अभी अपने सभी स्मार्टफोन्स में 4 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देती है। इसका मतलब यह है कि OnePlus 11R अप टू Android 17 और OnePlus 12R अप टू Android 18 तक जो है सपोर्ट करने वाला है। अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो OnePlus 11R में Wi-Fi 6 जबकि OnePlus 12R में Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में ब्लूटूथ 5.3 की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है रीजियन के हिसाब से। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में IR ब्लास्टर नहीं मिलता है, और हैप्टिक्स जो है दोनों ही फोन्स के जो है काफ़ी अच्छे हैं, बट OnePlus 12R में थोड़े से बेटर हैप्टिक फीडबैक आपको देखने को मिलेंगे। और दोनों ही फोन्स में OnePlus का आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, बट अलग अलग साइड्स पे देखने को मिलते हैं। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही फोन्स में आपको ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि काफी रिलायबल है और फास्ट भी है, बट इसकी पोजीशन जो है OnePlus 12R में जो है काफी रीचेबल लगी मुझे। इसके अलावा दोनों ही फोन्स फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि ज्यादा बेटर है OnePlus 12R में, क्योंकि लो लाइट में भी आप अच्छे तरीके से फेस अनलॉक का यूज कर सकते हैं। OnePlus 11R में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि OnePlus 12R में अभी तक किसी भी OnePlus स्मार्टफोन की सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, यानी कि 5500 mAh की। दोनों ही फोन्स जो है 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, और वायरलेस चार्जिंग दोनों ही फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। बैटरी लाइफ दोनों ही फोन्स में अच्छी खासी मिल जाती है आपको, बट बेटर चिपसेट के कारण, बेटर पावर एफिशिएंसी के कारण OnePlus 12R जो है काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको निकाल कर दे सकता है। लगभग 1.5 दिन तक का भी बैटरी बैकअप आप पा सकते हैं। OnePlus 11R के लोअर वेरिएंट की प्राइस 37,999 रुपीज और हायर वेरिएंट की प्राइस जो है 41,999 रुपीज रखी गई है, जबकि OnePlus 12R का लोअर वेरिएंट जो है वो 39,999 रुपीज और हायर वेरिएंट 45,999 रुपीज पे अवेलेबल है। और ये जो प्राइसिंग मैं बता रहा हूँ वो किसी भी डिस्काउंट या एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह को छोड़कर बता रहा हूँ। सो दोस्तों, इस कंपैरिजन से हमें यही समझ में आ रहा है कि OnePlus 12R बहुत ही टाइनी बट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अपग्रेड्स दिए गए हैं। इस फोन को बहुत हद तक फ्लैगशिप OnePlus 12 के भी क्लोज लाकर खड़ा कर रहे हैं, और चूंकि इन दोनों डिवाइसेज यानी कि OnePlus 12R और OnePlus 11R में जो है प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर इन दोनों में से ही आपको चुनना है तो आप OnePlus 12R को चूज करें, बिकॉज दैट मेक्स सेंस। सो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। जाते जाते जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अगर वो भी कंफ्यूज हैं तो उनकी कंफ्यूजन भी जो है क्लियर हो जाए। बाकी अपने भाई के इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए और हमेशा इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पीस।